गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बज चुके हैं 8। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। देश भर में इस त्योहार को मनाया जा रहा है और आज के दिन लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्यदेव की अपनी राशि बदलते हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, ये तस्वीरें हैं आपके सामने पश्चिम बंगाल के गंगा सागर की जहाँ पर लोग आज मकर संक्रांति के मौके पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 14 जनवरी शुक्रवार को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनता है। ये दिन स्नान के लिहाज से, दान के लिहाज से, पुण्य प्रताप, पूजा पाठ, इन सब के लिए बहुत बहुत शुभ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर आ जाते हैं। सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में गंगा सागर की तीर्थ यात्रा बहुत महत्व रखती है। तस्वीरें आपके सामने गंगा सागर से हैं और वाराणसी से हैं, काशी से हैं। मान्यता ऐसी है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जो स्नान करके पुण्य हासिल होता है वो अपने आप पे बेहद खास होता है। आप देखिए इन तस्वीरों को। मकर संक्रांति के इस मौके पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में दूर दराज से आते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट की इजाजत के बाद गंगा सागर मेले का आयोजन भी हुआ। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, लेकिन तस्वीरें अपने आप पे खास वाराणसी और गंगा सागर से। घाट घाट पर आस्था की डुबकी लगाते, गंगा जल का आचमन करते, गंगा स्नान करते श्रद्धालुगण मकर संक्रांति के इस बड़े पर्व पर, पावन पर्व पर आज डुबकी लगाते देश भर में नजर आते हुए। तो उत्तर भारत, मध्य भारत में जहां आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा, वहीं पूर्वोत्तर में बिहू, दक्षिण भारत में जलीकट्टू का त्यौहार मनाया जा रहा है। और इन दो तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें आप भारत की संस्कृति की एक झलक महसूस कर पाएंगे। एक ओर पूर्वोत्तर में बिहू के त्यौहार का जश्न है, दूसरी तरफ दक्षिण के तमिलनाडु में जलीकट्टू का पर्व मना रहे हैं लोग। जिस प्रकार सूर्यदेव के उत्तरायण में होने पर उत्तर भारत में लोहड़ी और मकर संक्रांति मनता है, उसी तरह उत्तर पूर्वी राज्य असम में माघ बिहू मनाया जाता है। तस्वीरें आपके सामने, पूर्वोत्तर में बिहू की धूम की और दक्षिण में जलीकट्टू की तस्वीर आपके सामने। उत्तरायण होने पर असम के लोग प्रकृति और भगवान को फसलों की अच्छी पैदावार के लिए भगवान का आभार प्रकट करते हैं, जबकि तमिलनाडु में जलीकट्टू को गौरव और संस्कृति का त्योहार कहा जाता है। ये खास पहलों की लड़ाई के रूप में भी आयोजित किया जाता है। उत्तर से दक्षिण तक पर्व ही पर्व। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।